the objective of this module is to understand is to make you understand and to explain what are the various types of financial decisions we have to make so economy we segregate economy then we the households and the firms the firms can be टर्म्ड एज द कॉरपोरेट सेक्टर ऑल्सो सो हम देखते हैं कोई भी इकोनमी को अगर हम समझना चाहें इकनॉमिक्स के परस्पेक्टिव से तो आप उसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं कि उसमें हाउस होल्ड हैं इंडिविजुल्स या हाउस होल्ड्स पूरे फैमिली के तौर पर या इंडिविजुल एक आदमी और वह कैसे फाइनेंशियल डिसीशन करेगा या किस तरह के मुख्तलिफ़ फ़ाइनेंशियल डिसीशन उसको लेने पड़ते हैं एंड देन ऑन द अदर हैंड वी नीड टू हैव वी नीड टू वी वी हैव अ कॉरपोरेट सेक्टर जिसको हम कलेक्टिवली इकनॉमिक्स की जबान में फर्म्स बोलते हैं सो so, जब हम हाउस होल्ड्स को देखते हैं तो बेसिकली इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड वॉट इज़ मेड बाय हाउस होल्ड हाउस होल्ड एक इंडिविजअल भी है जो एक सपोज किसी फ्लैट में रहता है और उसको डिसीशन लेनी है कि मेरी आमदनी कितनी है मुझे उसको कितना ख़र्च करना है कितने बीच में से मनी सेव करनी है और उसमें मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करनी है कोई उस जो सेविंग्स हैं उनको मैंने किधर रखना है बैंक में रखना है या मैंने अपने टी पॉट के अंदर डाल के रखना है तो ये ये सब डिसीशंस जो हैं वो कोई भी हाउस होल्ड के लेने के हैं और हाउस होल्ड में एक इंडिविजुअल आदमी या उन इंडिविजुअल पर्सन आ सकती है जो कि एक और इंडिपेंडेंटली रह रहा है या इट कैन बी अ बिग फैमिली इट कैन बी अ कम्बाइंड फैमिली ऑल्सो सो दिस इज़ हाउ वी डिफ़ाइन अ हाउस होल्ड सो हाउस होल्ड के लिए बेसिकली चार मुख्तलिफ़ तरह के डिसीशंस लेने होते हैं सबसे पहले उनको ये डिसाइड करना होता है कि हमें कितना पैसा पैसा कितना आ रहा है और हमने उसको कंज्यूम कितना करना है अपने ऊपर खर्च कितना करना है खाने पीने के ऊपर और जो मुख्तलिफ़ चीज़ें लेने के ऊपर और हाउ मच ऑफ दिस इनफ्लो या इनकम को हमें सेव कितना करना है और आफ्टर टेकिंग दिज टू मेजर डिसीशंस दे नीड टू दैन डिसाइड कि जो सेव्ड अमाउंट है जो हमारे पास टोटल सेविंग्स जो हैं उनको हमने इन्वेस्ट करना है या क्या करना है और इन्वेस्टमेंट में देर कुड बी अ नंबर ऑफ़ ऑप्शंस दैट कैन बी देयर जिसमें आप बैंक्स के साथ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या किसी दोस्त के साथ कोई पार्टनरशिप कर सकते हैं सो अगैन देर आर अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज दैट आर देयर और यू नीड टू डिसाइड कि जो मेरे सेविंग्स हैं उनको मुझे कैसे इन्वेस्ट करना है और ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ सेविंग्स को इन्वेस्ट करें आप कोई बोड अमाउंट लेके भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दर्ड टाइप ऑफ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और डिसीशन विच नी विच इज़ टू बी मेड बाय अउस होल्ड इज द फाइनेंसिंग फाइनेंसिंग डिसशंस फाइनेंसिंग डिसशनस का मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे एक घर लेना है या मेरे पास घर मैं बना रही हूँ और मुझे मेरे पैसे शॉर्ट हो गए हैं मुझे बो करनी है मनी इन ऑर्डर टू कम्प्लीट द बिल्डिंग और द स्ट्रक्चर ऑफ माई हाउस सो गैन मैं ये फाइनेंसिंग किधर से ले सकती हूँ मुझे अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेजना है मुझे मेरी खुद की स्टडीज़ के लिए पैसे कामें तो मुझे फाइनेंसिंग करनी है मैं बैंक के पास जा सकती हूँ मैं जिस यूनिवर्सिटी में मैं काम करती हूँ मैं उनसे बोल सकती हूँ कि मुझे आप कोई ईजी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर कोई मनी लैंड कर दें ताकि मैं आपको वापस लौटा दूँगी सो वे इवन इन द कैपेसिटी ऑफ अ हाउस होल्ड आप बिजनेस नहीं भी कर रहे फिर भी देर कुड बी अ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इशूज़ और एस्पेक्ट्स फॉर विच यू नीड टू डिसाइड फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंसिस इसी तरह से अभी आप ले रहे थे कोई आपसे भी बॉरू कर सकता है तो आपने फाइनेंशिंग फाइनेंसिंग डिसीजन में आप यू नीड टू तो डिसाइड कि मुझे ये वाली मनी फिला पार्टी को लैंड करनी है या किन टर्म्स एंड कंडीशन पे करनी है तो दिस दिस इज अनादर टाइप ऑफ डिसीशन विच द हाउस होल्ड टेक इन टू अकाउंट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दे ऑल्सो हैव टू अंडरटेक द रिस्क मैनेजमेंट डिसीशंस सो वेन वी हैव टू डिसाइड और फोर सी दैट इन फ्यूचर कोई भी मसाइल पेश हो सकते हैं या कोई बड़े खर्च आ सकते हैं तो उसके लिए आपको डिफरेंट तरह की रिस्क को अकाउंट फॉर करना होता है और वो अगर कोई खुदा नास्ता कोई भी इस तरह की कोई गड़बड़ हो जाएगी या कोई घर में कोई आपको कोई कंस्ट्रक्शन uh, कराना पड़ा है या री कंस्ट्रक्शन कराना पड़ा है या रेनोवेशन है या कुछ इस तरह की मुख्तलिफ तरह की रिस्क को आप अकाउंट फॉर करेंगे और आपको डिसशन करना है कि आप वो जो जो भी इस तरह की अनफोसिन कंटीजेंसिस कैन हैपन उनकी उनको कैसे ख़र्चा उठाएंगे सो अगैन दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डिसशंस that are to be made by a household. Uh, if we move on to a firm or the corporate sector, तो firms को भी इसी तरह से अपने finances को लेके deci decision लेनी पड़ती है कि हमें um, मुख्तलिफ तरह की investments कैसे करनी है So we need to talk about the corporate finance. In this regard, corporate finance basically deals with major investments. So आपने potential expenditures देखने होते हैं foresee करने हैं कि future में हमें बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर अमाउंट किधर किधर इन्वेस्ट कर सकते हैं हम या किधर खर्च होगी ख़र्च होंगे डिफरेंट तरह के पैसे और बेसिकली इट डील्स विद द एडिशन और द मॉडिफिकेशन और द डिस्पोजिशन और री एलोकेशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स सो आपने ये सारे के सारे डिसन मेकिंग करनी है जिसको हम कॉरपोरेट फाइनेंस में लेते हो फिर आपको देखना होता है कि आपके पास फिजिकल कैपिटल कितना है आपके पास फाइनेंशियल कैपिटल में आपने कितने पैसे रखने हैं अग्ञान Uh, the, the, the basic objective is to maximize the benefit or to maximize the return. So, you, you need to allocate. or in this regard, there are three important things which are to be considered. The first one is that the corporate sector takes into account the capital budgeting process and then they have to decide uh, the capital structure. How equity? It is basically the balance of equity and the borrowing. So, uh, capital structure decide. Karna hai. working capital management. Karna hoti hai ki करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के वास्ते कितना कैपिटल दरकार है कितना कैपिटल आपको रखना चाहिए सो दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स विच द कॉरपोरेट सेक्टर हैज़ टू अंडरटेक सो टुगेदर वेन वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ द फाइनेसिंग फाइनेंशियल डिसीजन आर कैरिड आउट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउस होल्ड और कॉरपोरेट सेक्टर दोनों अपने अपने लेवल्स के ऊपर किस किस्म के डिसीशंस को फेस um, करते हैं और किस किस्म के उनको फैसले लेने होते हैं एज पर व्हेन वी कंसिडर द फाइनेंशियल डिसशन मेकिंग्स